हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से मेरे नए एक व्लॉग में। आज मैं बना रही हूँ मीठा कद्दू। आज की मेरी रेसिपी है और डिलीशियस और मज़ेदार और यूनिक है। अब देखो मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत टेस्टी और यूनिक मसाले हैं, बिना प्याज बिना लहसुन के। नराते चल रहे हैं गाइस, बनानी तो हैं। मैंने कद्दू काट के रख लिया है और दो लाल मिर्चें तोड़ ली हैं, कढ़ाई रख ली और रिफाइंड डाला है। देखो तड़के में मैं क्या क्या डालती हूँ। इसमें डालूंगी मैं सौंफ। पहले तो सौंफ डाला है थोड़ा बहुत, आधा टेबल स्पून या टी स्पून बोलो, टेबल स्पून बड़ा होता है। ये देखो तड़के के अकॉर्डिंग आप रख लें। मेथी दाना और मैंने लाल मिर्च तड़के में डाली है, तीनों चीज़ें। और मैं डालूंगी काली सरसों और ज़ीरा, ये भी डालूंगी तड़के में। बहुत स्वाद और बहुत मज़े की बनेगी। ऐसे बना के देखें, कभी सौंफ का तड़का लगाया है तो मुझे मैसेज ज़रूर करें कि भाई कैसे लगता है और किस में लगता है। ये देखो मैंने कद्दू में इसका तड़का लगाया, हमारे इधर ऐसे ही बनती है। आज बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगी और यूनिक भी होगी। ये देख लो कैसे बनाऊँगी मैं। ये मैंने डाला है पेठे में, दिल्ली में तो पेठा बोलते हैं, हम तो मीठा कद्दू इसको बोलते हैं। वहाँ पर बेंगलोर में हम इसको पेठा नहीं बोलते, मैंने भी यहीं आके सीखा है। ये देख लो इसको मैं अच्छे से भूनूंगी और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा गाइस, बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा और बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। ये देख लो मेरे बच्चे तो कभी मीठा कद्दू खाते ही नहीं थे, पेठा खाते ही नहीं थे, तो इस तरीके से बनाओ तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। एक चीज़ इसमें मिस है, कड़ी पत्ता, ताज़ा कड़ी पत्ता डालो, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है ये। ना कितना तामझाम नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये देख लो ये मैंने कूट के रखे हैं तिल और मूंगफली, सफ़ेद तिल और मूंगफली कूट के रखी है, भून के छिलके उतार के इसको मैंने बेलने से कूट लिया ग्लास में। ये मेरा मसाला है, मैंने शिफ्ट कर लिया देखो कटोरी में। अभी मैं बताती हूँ कैसे करना है। हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर और कुछ नहीं मसाले डालूंगी गाइस। और सारे मसाले गले में लगते हैं आपको। ये देखो मैंने ऐसे बनाया है, ये देख लो मेरा कद्दू का रंग। और आजकल नराते चल रहे हैं गाइस, नरातों में प्याज और लहसुन छोड़ने का अलग ही मज़ा है, हमें ये भी करना चाहिए और अपनी सेहत भी सही रहती है। और वैसे ही बताया माता रानी के वो चल रहे हैं तो आपको छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से छोड़ सकते हो और बहुत मज़े का खाना खा सकते हो और बिना प्याज और लहसुन के भी। ये देख लो मैं ऐसे बना रही हूँ। अब मैंने डाला है दो टमाटर चॉप किए हुए और मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला है, और लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। वैसे हरी मिर्च आप डालोगे तो लंबी लंबी काट के डालना ताकि बच्चों के मुंह में ना आए, बड़े तो खा ही लेते हैं। आप तीखा अपने अनुसार रखें कि जितना आपको चाहिए। ये बहुत मज़े की बनती है गाइस, मेरा लड़का तो कभी खाता नहीं था, उसके लिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ, उसको बहुत पसंद है और घर में हम सब खाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग हम सब खाते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है हरी सब्जियाँ, बस हमें तो सारा हमें पसंद है। अब ये मैंने डाला जो कूटा हुआ वो है ना, और ये भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मैंने सिर्फ इसमें दो चीज़ें डाली है, ये तिल और वो कूटी हुई मूँगफली दाने, सिंग दाना जो बोलते हैं, उसको मैंने कूट लिया था। भून लोगे तो कूटने में आसानी होगी ऐसे ही। ये देख लो इसमें स्वाद 50 गुना बढ़ जाता है, मूंगफली डालोगे ना कूट के तो 50 गुना बढ़ जाता है। इसमें हरी मिर्च कूटें, नमक से कूटें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक अब मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने कूटा नहीं, नमक ज़रूर डाला है। ये देखो मैंने इसे कूट लिया और चाट मसाला डालेगा इस, ये चाट मसाला और जीरा पाउडर है। एक बार आप डाल के बना के देखें, घर वाले तो बहुत खुश हो ही जाएंगे, आपको खुद को सब्ज़ी इतनी पसंद आएगी। हम लोग गृहणियाँ बना बना के अक जाती हैं सब्ज़ियाँ के, भाई क्या बनाएं क्या बनाएं। ये बना के देखो, ये एक यूनिक डिश है, टेस्टी डिश है और मज़ेदार है, घर में हमेशा बनती रहेगी। और एक बार बना के देखे, बहुत मज़े की बनेगी। मेरे बच्चे कभी खाते नहीं थे तो वो भी खाने लग गए हैं। देखना गाइस, देखो कलर से कैसी लग रही है। थैंक यू।